बहुत प्यार किया तुमने मुझसे। हाँ बहुत प्यार किया है, तो क्या इस प्यार के भरोसे मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो मैं सुबह सुबह तैयार होकर आ गई हूँ अपने न्यू लुक में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से बज गए हैं 10 और बस इसी तरीके से तैयार होने में मेरे को इतना टाइम लग गया। टाइम इसलिए लगा, पहले मैं साड़ी पहनी थी तो दूसरे के चीज़ों के लिए तैयार हो रही थी कि मैं दूसरे तरीके से तैयार होंगी, तो मुझे उसमें नहीं सही लगा क्योंकि ब्लाउज दूसरा लग रहा था, दूसरा लग रहा था। तो मैंने ये शंकर जी वाला उठा लिया, उनसे मांग के लाई एक दिन के लिए किराए पर। मैं बोली दे दीजिए, मैं पहले एक नया लुक तैयार करके वीडियो बना लेती हूँ फिर आपको दे दूँगी। तो उन्होंने बोला ले जाओ बच्चा, आप जाओ अपना काम करो। तो मैं लेके चली आई हूँ और अभी तैयार हो गई हूँ। इतना तेज से धूप हो गया है ना, भगवान को भी मेरे ऊपर तरस नहीं आता यार। मैं कैसे क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आता। अभी 9 बज के कुछ मिनट होते थे तो मैं रोज़ छत पे आ जाती थी, मगर सिर्फ इस लुक के तैयार करने के लिए ना मेरे को इतना लेट हो गया। आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है, ये कैसा लग रहा है और ये कैसा लग रही है, ये कैसा लग रहा है, सब चीज़ें बताइएगा। अभी मैं चलती हूँ, रील्स बनाती हूँ, आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिए। इतना प्यार मुझसे, तेरी मोहब्बत तेरी जान की दुश्मन बन गई। अगर तुझे कुछ हो गया तो दोस्तों मुझे इतना थकावट हो गया, मैं क्या ही करूँ। ये लड़का भाग यहाँ से, जाओ भाग, मोहब्बत करेगा। दोस्तों इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है ना, देखिए मैं कैसी हो गई हूँ। बहुत अपना हट हो रहा है मगर हमें रील्स तो बनाना ही पड़ेगा। तो अभी हम 5 रील्स बना लिए हैं, आप लोग जाइए देखिए और कमेंट करिए। देख सकते हैं कितना ज्यादा पसीना पसीना हो गया मुझे, अभी बज गया है 11। अब हम जा रहे हैं नीचे, ज्यादा वीडियो भी नहीं बन पाया है अभी यहाँ पे। ये लोग भी बेचारे बना रहे हैं तब से हमारे साथ से। याली अभी थक गई, थक के बैठ गई, ये कह रहा है दिन भर वीडियो बनाओ दिन भर बनाओ। कसम से कहा थी हमारा बॉयफ्रेंड होता ना तो घिसरा घिसरा धुपियम बांध दे उल्टा लगता है। मैच के इनके गलती रहा ना। अच्छा चुप रहा, तुम ये बात बोल देना नहीं आवा नाती राती के कुछ मांगी हा तो हम कहा है क्या? नहीं दोस्तों, आप लोग को अगर मजाक लग रहा तो देख लीजिए मेरा काजल बह गया और बाकी मैं पूरी पसीने पसीने से हो गई बहुत ज्यादा। और ये लोग हैं सबूत, इनसे पूछ लीजिए। बाकी अभी हम नीचे चलते हैं, अभी तक हम खाना नहीं खाए। आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा। आप लोग नहीं मानेंगे पर मैं कहती हूँ मानिए। अभी की वजह से पूरा, हाँ इतना गर्मी में और धूप में इतना ज्यादा मेहनत करना बहुत ही मुश्किल होता है मगर करना पड़ता है क्योंकि हम लोग का हर रोज का काम है। वीडियो नहीं बनाएंगे तो चैनल फिर से गिरने लगेगा। तो अभी हम चलते हैं खाना। देख सकते हैं लड़कियां कितनी बहादुर होती है। ये गमले को दो लोग पकड़ के लेके आ रही हैं। हम लोग रील्स बना बना के सो गए थे, सो के उठने के बाद ये स्टोरी शूट कर रही थी, मैं कपड़े धुल रही थी। अभी ये स्टोरी शूट कर ली, हम कपड़े धुल लिए हैं मगर यार शाम हो गया, शाम का हमारा काम है किचन में जाना। किचन में इतनी गर्मी हो रही है का ही बताएं, गर्मी ये भीगा हुआ कपड़ा लेके आए, गर्मी कर रही है। अरे भगवान सच्ची में बहुत ज्यादा अपना थोड़ा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। दोस्तों हम आप लोगों से कुछ बताना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते वो लोग करवाने पे मजबूर हो गए। ऐसा काहे कर रहे हो भगवान, कसम बहुत गुस्सा आ रहा है। आलू जैसा भी था जो भी था माली, हम लोग बना दिए गलती से, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम उसमें देखती हूँ, हम किसी के भी मैटर में पढ़ते नहीं है ना, हम लोग बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग। हम दोनों मैटर ऑर्डर में नहीं पढ़ना चाहते, हम लोग का मैटर खुद खत्म नहीं होता। किसी के मैटर में क्या पढ़े, अगर 2 दिन हम लोग अच्छे से काम करते तीसरे दिन हम दोनों में टुन फुन हो जाता फिर सही हो जाता। तो ऐसा हम लोग के पास टाइम ही नहीं मिलती हम लोग किसी में किसी के बीच में टांग लड़ाएं। ठीक है तो याली सुन, कौन लड़का की लड़की काले मत, तू पहले दांत लगा फिर किसी के बीच में बोल। जे काले थे अपन दांत दे दो इनके अब लगवा देता टीम मशीन। अच्छा सुना, तू तो यही कह देला कि तू पहले अपन दांत लगा जाके, ठीक है। आप ही समझा रहे हो कि किसी के बीच में टांग नहीं लड़ाना चाहिए, आप काहे लड़ा रहे हो मेरे और मेरे दांत के बीच में। ये मेरा दांत है, मैं लगवाऊं नहीं लगवाऊं मेरी मर्जी, मैं अपने दांत से बहुत प्यार करती हूँ, ये दांत मेरे को पसंद है। तो आपको कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है भाई बताओ? इसका दांत इसका प्रॉब्लम, आपको थोड़ा मेरा है। ये देखती है शक्ल खराब हो या कुछ भी रहे, तो कहीं छोड़ते हैं सब सारी चीजें। मगर मुझे लग रहा है ना ब्लॉग बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा इतना सारा कमेंट आया था, हम उसको तौलेंगे ना तो पक्का 2-3 किलो हो जाएगा भाई। तो हम उसके लिए एक न्यू ब्लॉग बनाएंगे कल, तो आप लोग को व्लॉग मिलेगा परसों, ठीक है कल तो पक्का बनाएंगे। आज वाला फिलहाल मेरा व्लॉग इस मैटर पे है कि आज मैं कुछ नया लुक तैयार की थी और उसमें मैंने वीडियो बनाया जिसमें ये लोग मेरे को बंजारन बोल रही थी मगर मेरे दांत में कमेंट करके मुझे डिस्टर्ब कर दिया यार। ऐसे करना ये करना, दांत तो सही है बात, वही तो यार दांत अच्छा है, पहले जन्म का मुसड़ी रानी।
तो अभी हम रील्स बनाया है, इतना मेहनत करने के बाद रील्स में व्यूज नहीं आया, सोचा लोगों ने, सोचा कितना बुरा लगा था, कितना धूप हम लोग जल जल के काम। और हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जब तक हम छत पे रहते तब तक हम बंद नहीं करते हैं, कोई नहीं पकड़ने वाला होता तो अलग की बात है, कहाँ पे हम फोन रखेंगे। आप लोग बताओ, फिर भी ऐसे ना इंसाफी करोगे, ऊपर से बीच में बोलने के लिए भी मना करोगे, यार कहाँ जाए हम लोग, खुद ना तो ना बनाए दो, हम रहे हम दोनों लोग चिड़िया चिड़ो। अभी घर और नहीं है, सब घर से निकाल दिए। हाँ बतावा ले, बेघर हो गए, बेघर। अरे यार इतना बड़ा घर, इतना बड़ा छत, बकौती बेघर, इसीलिए हम लोग स्टूडियो पे रह रहे हैं। अरे हम लोग स्वर्ग में हैं, ये नहीं जानती हो। अरे अपने घर से गाइस एक बात बता दे, अब हम कोई बड़ाई नहीं करे, बहुत जगह काम किए हैं हम, देखे हैं, मगर इस जगह से बेस्ट जगह नहीं है लड़कियों के लिए, सेफ्टी ये जगह है, मैं तो यही समझती हूँ। तो अभी हम सारी चीजें एक साइड करते हैं, एक चीज बताते हैं इसके बारे में, बता दे क्या, बता दे इसे एक बात बताए, इन लोग का पर्सनली मैटर के बारे में बता रहे, ठीक है ये ना, कौन सा मैटर, काय तुम घबरा रही हो, बताने दो, चलो ठीक है बताओ, तुम जाओगे तब हम बताएंगे, छोड़ो ज्यादा क्यों बुरा। क्या मैटर है, हमको पता है मैटर तुम्हारा, हम अकेले में बात करके बता देंगे, ठीक है। पहले तुम ये ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बस इतना आप लोग जान लीजिए, दिन भर इतनी मेहनत तो करती है मगर इसका वीडियो नहीं चलता, कहती है रात को सोते समय मुझे वायरल होना है, मुझे वायरल होना है, कोई कर दो वायरल कर दो, तो रात में ऐसे ऐसे होता है ना भटकना, रात में इसकी आत्मा भटकती है भाई, इसको वायरल कर दो, यही थी इसकी पर्सनल बात। और ये अगर नहीं काम करती है ना तो इसको सिद्धू डांटता है, सिद्धू नहीं करता तो ये सिद्धू को डांटती है, इन दोनों का अच्छा लगता है मैटर देख के, मेरा मैटर कब सेटल होगा यार। तो गाइस मेरा बर्थडे आ रहा है, अगर किसी को गिफ्ट देना तो प्लीज एक कार दे दीजिएगा, और ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, एक कार। और कौन कार ले वो बहनी, कौन कार बता दी, महिंद्रा थार। अरे यहाँ पे देखिए निर्जला क्या कर रही है, खाना बना रही है इतनी रात को, तुम कहाँ जा रहे हो, चश्मा लगा के, ठीक हमको रात को दिखाई नहीं देता, दिन में दिखाई देते, इसलिए चश्मा लगा के रखे, कार्टून कहीं की। चल हम लोग ब्लॉग बना रहे थे, एंड करने वाले थे कि गैलरी फुल बता दिए, बोला ओवरलोड हो गया, ये हम लोग इंड नहीं कर पाए थे, तो हम लोग इंड करने के लिए सोचे कर दे यार। तो हम आप लोगों को बता दें चश्मा क्यों लगाते, क्योंकि फोन चलाने के लिए, इंड करने की बात हो रही है, स्टार्ट नहीं है भाई। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग प्यार कमेंट करके बताइए, और इसका दांत पे मत जाइएगा, वो लोग बेइज्जती करते बात वो करता तू। और बता रहे आज हमारा बना चोखा बनाने का प्लान था, सब लोगों ने हमारा दिल कुछली करके तोड़ दिया, सब्जी बना रही है। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।